तो गाइस आज मैं अपनी Volkswagen Virtus GT में 35 फीचर जो है वो अनलॉक करने वाला हूँ। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है और कौन से वो फीचर हैं वो आपको पता चल जाएगा। और आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो शायद आवाज़ थोड़ी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये मेरा नया सेटअप है। तो गाइस Volkswagen Skoda ओनर्स के मन में एक डर रहता है कि यार फीचर अनलॉक तो करा लूँगा पर कहीं वारंटी आउट ना हो जाए, तो उसका डर मेरे अंदर भी था। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी में प्रॉपर कोडिंग और स्क्रीन का कलर था वो भी मैंने चेंज करवा दिया था। फिर मैं गया भाई Volkswagen के सर्विस स्टेशन में, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक एयरबैग की लाइट आई थी, मैंने लास्ट डील डाली थी, उसमें काफ़ी हीट मिला है, तो उसका जवाब मैंने यूट्यूब की वीडियो पे डाल दिया था। कोडिंग की वजह से वो दिक्कत नहीं आई थी, मेरी गाड़ी में पानी चला गया था, आप उसमें देख लेना जाके। तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे अब मैंने ये करा रखा है, एक तो जैसे इसका मीटर का कलर चेंज हो रखा है। हेलो दोस्तों, आज भाई आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, हम 35 हिडन फीचर जो है हम अपनी गाड़ी में अनलॉक करने वाले हैं। कैसे सब प्रोसीजर होता है ना सब आपको बताता हूँ, और वारंटी इससे आउट होती है या नहीं होती मैंने वैसे भी पहले बताया था, पर अब मैं जो है फिर से अच्छे से आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा प्रोसीजर। पहले ना मैंने अपनी गाड़ी में जैसे ये फीचर था और एक ये था, एक दो फीचर जो है ना वो करवाए थे, पर आज मैं ना सब कुछ जो है मतलब जितने फीचर्स टोटल होते हैं गाड़ी में वो करवाने वाला हूँ। मैंने अभी तक बस कलर चेंज और ये वाली स्क्रीन रखी थी, इससे ज़्यादा मेरी गाड़ी में ऐसे कुछ हुआ नहीं था। तो देखते हैं भाई क्या क्या फीचर्स जो है हम करवा सकते हैं। और फिलहाल जो है अपने स्टूडियो पे आ गए हैं, तो परवीन भाई वाली भी Virtus है। अब आप सबको पता है कि ये जो है अपने परवीन भाई वाली गाड़ी है, तो इसमें आप देख लो ये 1 लीटर है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आप ये गाड़ी का नंबर देख लो, HR12AS2470, मतलब उसे परिवहन पे देख लेना। अब ये हमने जो है ना पूरी कन्वर्ट करा रखी है बाहर से भी, मतलब ये देखो ये सारा जो है ना मतलब कार्बन फाइबर डिप करवा रखा है, और ये वाला भी ये ग्लॉस ब्लैक है, और यहाँ से भी। तो एक तो ये बताना कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है। हाय ब्रदर, कैसे हैं आप भाई? मैंने सुना है कि जो हम खुद ही जो है अब फीचर भी अनलॉक कर रहे हैं गाड़ियों में, वही कर रहे हो? कौन सी गाड़ी में होते हैं ये फीचर्स? होंडा, Volkswagen, BMW, Audi, होता है। अच्छा, मतलब Skoda, Volkswagen, Ford की जो एंडेवर आती है, मतलब सिर्फ एंडेवर, बाकी ऑक्टाविया या कोई भी हो सब में हो जाएगा, जैसे टाइगुन होगी, टिगुआन, मतलब कुछ भी, कोई भी गाड़ी जो है जर्मन वो हम कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है इसका? अच्छा, और वारंटी? तो गाइस Volkswagen Skoda ओनर्स के मन में एक डर रहता है कि यार फीचर अनलॉक तो करा लूँगा पर कहीं वारंटी आउट ना हो जाए, तो उसका डर मेरे अंदर भी था। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी में प्रॉपर कोडिंग और स्क्रीन का कलर था वो भी मैंने चेंज करवा दिया था। फिर मैं गया भाई Volkswagen के सर्विस स्टेशन में, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक एयरबैग की लाइट आई थी, मैंने लास्ट डील डाली थी, उसमें काफ़ी हीट मिला है, तो उसका जवाब मैंने यूट्यूब की वीडियो पे डाल दिया था। कोडिंग की वजह से वो दिक्कत नहीं आई थी, मेरी गाड़ी में पानी चला गया था, आप उसमें देख लेना जाके। तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे अब मैंने ये करा रखा है, एक तो जैसे इसका मीटर का कलर चेंज हो रखा है और एक जैसे ये, तो इसमें गाड़ी में कोई दिक्कत आ सकती है इससे? वायरिंग से अगर छेड़छाड़ ना हुई होगी तो वो तो स्कैनर, जैसे आप स्कैनर लगाओगे ऐसी उससे करा है, तो नहीं आनी चाहिए। अगर कोई वायरिंग वगैरह छेड़ी है तो दिक्कत आ सकती है। जब ऐसे इसमें कोई वारंटी की दिक्कत आती है? ऐसे तो नहीं आनी चाहिए। देख लो भाई ये जवाब है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, कईयों ने डरा दिया था मेरे को, और कई फालतू के जो कमेंट करते हो भाई सुन लो, इससे ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसके मन में ये डर था कि यार वारंटी आउट हो रही है यार अब कैसे कराऊं, भाई कोई दिक्कत नहीं होती जब तक आप अपनी गाड़ी की वायर कटिंग नहीं करा रहे हो, मतलब कहीं से वायर कट नहीं करा रहे हो या छेड़खानी नहीं करा रहे हो ना, तब तक वारंटी की कोई दिक्कत नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई सभी Volkswagen Skoda ओनर्स को, पर हाँ जो कोडिंग है वो अच्छी जगह से ही कराना भाई। A few moments later. ये सामान जो है ये लगेगा कहाँ पे थोड़ा जनता को बताओ। हालांकि कोई भाई खुद ट्राई मत करना कुछ ऐसा खरीद के, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत स्पेशल आती है, बहुत टेकी चीज है, अलग तरीके की। ये यहाँ पे फिट होता है इसके, मतलब नीचे इसका ओबीडी का, ओबीडी का है वहाँ पे फिट होता है। तो गाइस वैसे मैं आपको थोड़े बहुत फीचर्स का वैसे बता देता हूँ जो इसके बाद में होने। अब जैसे मैं बूट खोलता हूँ, बूट खोलने पे मेरी कहीं से भी मतलब कोई भी लाइट नहीं आ रही, ना यहाँ से लाइट ऑन हो रही, ना ये हो रही, ना ये हो रही। तो एक तो ये फीचर्स होएगा जैसे, और जैसे हम अनलॉक करते हैं तो कोई भी आवाज़ नहीं आती, एक वो हो जाएगा, और जैसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं इसको रखता हूँ, मतलब प्रेस करके भी रखता हूँ ना, होल्ड करता हूँ तो देख लो शीशे भी नीचे नहीं हो रहे, मतलब कुछ भी फीचर जो है ना ये नहीं हो रखे। अच्छा, जैसे लाइट भी ऑन होती हैं तो फोग लैंप, मतलब DRL के साथ है ना, फोग लैंप ऑन नहीं होते, सिर्फ DRL ऑन होती है,
फॉग लैंप अगर सिर्फ फॉग लैंप ऑन रखने हो तो मतलब हमें मेन जो लाइट है वो भी ऑन करनी पड़ती थी, तो एक तो वो करना पड़ेगा अपने को। ग्रीन है और मैंने ये RPM वाला ये सब पहले से करा रखा था, पर अब जैसे मेरी गाड़ी में सिर्फ एक तो ये फीचर था, इसके अलावा कोई फीचर नहीं था, मतलब जो हिडन फीचर्स थे मैंने सिर्फ ये अनलॉक करा रखे थे। और एक जैसे मैं ऑटो करता हूँ ना AC को, और साथ ही में जो है ना मतलब ये नहीं पता चलता कि कौन से लेवल पे है फैन, मतलब स्पीड क्या है फैन की। मैनुअल में तो जैसे ऐसे पता चल जाता है, तो वैसे नहीं पता चलता, तो एक ये करवाना है। मेन तो मेरे को बस ये देखना है कि मेरा कलर कौन सा चेंज करा और सारे फीचर्स और जो बाहर की चीज़ें हैं वो सब कैसे होएंगी। अब रिवील करते हैं हमने कौन सा कलर करवाया है, तो पर्पल। काफ़ी कलर ऑप्शन थे तो मैंने सोचा कुछ दिन पर्पल कर देंगे फिर उसके बाद फिर चेंज करवा देंगे। तो एक तो कमेंट करके बताना भाई कैसा कुछ है। और ये तो जैसे अपनी होम स्क्रीन थी, मैं आपको एक बार फीचर दिखा देता हूँ सारे। वैसे तो भाई इतने सारे फीचर हैं मेरे को, मैं सिर्फ तो भूल भी चुका हूँ काफ़ी फीचर तो, पर फिर भी जो है ना मैं आपको यहाँ साइड में लास्ट में वीडियो के लास्ट में लिस्ट दे दूँगा कौन से हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपने जैसे स्क्रीन में ये आ चुका है, AC के कंट्रोल्स जो यहाँ थे ना वो सारे यहाँ आ चुके हैं, मतलब AC ऑन करना है सब कुछ जो है ना, स्पीड वगैरह ऑटो करना है, ये सब कुछ जो है हम कर सकते हैं यहाँ से भी। अब ये देख लो आप, ये व्हीकल स्टेटस है, व्हीकल स्टेटस में जाके एक तो स्टार्ट स्टॉप है, मतलब इसमें वार्निंग है सारी फ़िलहाल, जैसे कोई वार्निंग नहीं आ रखी है गाड़ी में, पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। मतलब जैसे अभी 0 लिख रखा है ना, तो ये पीछे जाता हूँ मैं, ऑफ रोड डिस्प्ले आ गई एक तो इसमें, ऑयल टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ये व्हील एंगल। यहाँ ऑयल यहाँ टेम्परेचर हो गया इसका, यहाँ फ्यूल वाला हो गया, फिर स्पोर्ट्स डिस्प्ले आ गई, ये पहले भी थी यहाँ पे, मतलब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो ये सारा आ चुका है। तो ये तो कुछ ऐसे है, यहाँ नोटिफिकेशन, ये सब कुछ सेम है। पर अब जैसे मैं कार पे जाता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक तो इको टिप का ऑप्शन आ गया, मतलब यहाँ पे इको टिप्स जो है ना वो आती रहेंगी, इको टिप्स आ जाएंगी यहाँ पे, मतलब कैसे आप बचा सकते हो बैटरी तेल सब कुछ। और ये तो अपना नॉर्मल हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मतलब अकाउस्टिक कन्फर्मेशन आया है एक ऑप्शन, तो एक फीचर ये हो गया। अब फिर पीछे चलते हैं, यहाँ क्लाइमेट में क्लाइमेटिक बिहेवियर आ गया, मतलब सॉफ्ट नॉर्मल एग्रेसिव, मतलब AC का कंट्रोल कैसा रखना है आपको, शांत एक नॉर्मल और एक मतलब प्रेशर बढ़िया हो, अच्छी हवा है, कूलिंग जो है अच्छी करे, मतलब AC अपना AC परफॉर्मेंस काफ़ी होगी। बाकी जो इसमें म्यूज़िक सिस्टम थी उसके बेस और बीट्स वगैरह जो है वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, पर वो फील ही होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी जो है डिफरेंस आ चुका है। तो ये तो सारे थे इसके फीचर्स। फिर अब आते हैं हम इस पर, तो एक तो ये जैसे RPM ऊपर आया, पहले भी था, मैंने इसमें जो है कलर चेंज करवाया है, ये साइड में स्टेयरिंग एंगल आ गया, रिफ्यूल क्वांटिटी आ गया, मतलब 25 लीटर तेल अभी गाड़ी में और डल सकता है, 45 लीटर का टैंक है ना तो 25 लीटर और डल सकता है। ये सारे आ गए, हम ये रखते हैं ना, तो ऊपर तो ये माइल्स पर आर आ गया और नीचे किलोमीटर पर आर। जैसे मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया है, तो राइट का इंडिकेटर देने पर ये देखो ये भी जल रहा है और DRL भी मतलब सिंक होके आ रहे हैं। जैसे पीछे जो है ये पूरी लाइट, और मतलब पहले सिर्फ यही होता था, फिर मैंने ये पूरा ही करा दिया है, जैसे ये नॉर्मल लाइट है ये वैसे है, तो ये मतलब अच्छी है ना, मतलब फील आती है गाड़ी में, और जैसे और गाड़ी में जाती थी। तो ये तो हो गया ये, उसके बाद जैसे मैंने इसको कर दिया, इस पर जो हैजार्ड लाइट है मैंने वो ऑन कर दिया है, तो हैजार्ड लाइट में क्या होगा आपकी ये लाइट भी ऑन होएंगी, मतलब ये प्रॉपर ऊपर ऊपर की होएंगी। अब आप कहोगे कि एक बार बताओ, कंपनी तो ऑप्शन नहीं देती है हम DRL के साथ में फॉग लैंप ऑन करें, पर आपने कैसे कर दिया, तो ये भी फीचर अनलॉक में हो जाता है। वो तो सेटिंग हुई है वो ऐसी हुई है कि मैं ऑटो पे करूँगा तो ये सिर्फ जो ऊपर की लाइटें हैं वो ऑन रहेंगी, फॉग लैंप ऑन नहीं होंगे। फिर जो है मैं इसको नीचे करूँगा तो फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे, 0 पे करूँगा तो वो, अब मेरे ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा अब जैसे मैं ऑटो पे करता हूँ तो ये देख लो DRL के साथ साथ जो है मतलब हाई ऊपर वाली लाइट भी और फॉग लैंप भी डीपर मारेंगी, तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा इससे। एक ये फीचर है
अब जैसे मैं बूट खोलता हूँ तो ये वाली लाइट भी ऑन होगी, ये भी होगी, ये भी ऑन होगी, और इसको बंद कर दिया। एंटी थेफ्ट अलार्म जो है गाड़ी का वो ऑन हो गया, मतलब अगर कोई मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ेगा तो मेरे पास जो है अलार्म बज जाएगा इसका पूरा। ये आवाज़ आ गई, बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ है, मतलब इतनी होनी भी चाहिए, वरना वाली आवाज़ नहीं है कि ज़्यादा ओवर हो, सिंपल सी सोबर सी। और एक इसमें वीडियो इन मोशन भी मैंने ऑन कराया, मतलब अगर मैं इसमें कनेक्टर लेके पेन ड्राइव लगाता हूँ तो वीडियो जो है इस पर चल सकती है स्क्रीन पे। तो एक ये भी काफ़ी मतलब ठीक फीचर है, अगर कोई साइड वाले को देखनी है तो वो भी इस पर आराम से देख सकता है। और अब आपको नॉर्मल कलर कैसे हो रखा है, तो ग्लॉस ब्लैक जो है भाई मैंने वो निकाल दिया है, फ़िलहाल कुछ दिन स्टॉक चलाऊँगा, उसके बाद इसमें नया रैप होने वाला है तो वो जो है अब आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में हम कौन सा रैप करा रहे हैं, कमेंट करके बता देना। तो ये सारे फीचर्स हैं, बाकी कई फीचर अभी भी ऐसे हैं भाई जिसका मेरे को वीडियो में बताने में मैं भूल भी गया हूँगा, तो मैं अब है ना फिलहाल अब इसके बाद आपको साइड में पूरी लिस्ट आ रही है तो उसमें आप देख लेना क्या क्या फीचर हुए हैं। बाकी जो स्क्रीन पे कलर मैंने पर्पल कराया, कुछ दिन बाद मैं और फिर से चेंज करा दूंगा। आप है ना कोई भी कलर करा सकते हो, मतलब जो पेंट वाला आता है ना जैसे पीसी में, तो उसमें कोई भी कलर चूज़ करके रख लेना आप, वही हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि कैसे करवा सकते हैं, तो भाई आप जो है नीचे नंबर दे रहा हूँ मैं, उसमें अपना स्लॉट बुक करा लेना। NCR में आप ऑल इंडिया आप कहीं पर भी हो वहीं पर आपके घर पर भी हो जाएगा, और अगर आप NCR में मतलब यहीं हो तो आप स्टूडियो पर आके हमारे करा सकते हो, नीचे नंबर दे रहा हूँ। इसमें वारंटी की कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि कोई वायर कट नहीं हो रहा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उसको लाइक कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।